गांव में बांस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, और उस बांस का अलग अलग वैरायटी का क्या क्या यूज होता है, क्या इकोनॉमिकल यूज है, उसका क्या टाइप होता है, कैसे पहचानेंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। आपने सुना होगा मटन, बैम्बू मटन, बैम्बू पिकल, बैम्बू से पिकल बनाते हैं, बैम्बू से मुरब्बा भी बनता है, और बैम्बू से फ्लूट बनता है, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में उसी बैम्बू से अलग अलग जैसे टोकरी बनती है, छिट्टा बोलते हैं लोग जिसको, पंखा बनता है, और उसके बाद वो इधर का सबसे फेमस चंगेरी जो कि शादी में ले जाता है, तो अलग अलग तरह का चीज़ बनता है, जो कि आप अभी समझेंगे कि इतना बांस का इंपॉर्टेंस क्यों है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस बांस का होता है और कैसे होता है, इस वीडियो में पूरा आपको हम बताएंगे। तो चाचा, हमारे क्षेत्र में कितने तरह का बांस मिलता है अभी? यहाँ लगभग 4 प्रकार का बांस मिलेगा। 4 प्रकार कौन कौन है? एक तो हरोथ है, चाब है, मकला है, कटी बांस है। कटी जिसमें काटा काटा रहता है। काटा रहता है। बांस में और 2 प्रकार का है, कठ या बेनाठी। इसको बोलते हैं मोकला बांस, और इस मोकला बांस के बारे में आपको बताएं तो इनका क्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं, जैसे डगरा हम लोग के साइड होता है, उसके बाद सूप होता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में, पंखा बनाते हैं इससे, और अलग अलग यानी क्राफ्टिंग के मामले में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ड्यू टू इसका जो इंटरनोड वाला सेक्शन है वो चौड़ा होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इसको। इसका पहचान ये है कि इसका जो इंटरनोड होता है ना, इंटरनोड होता है, नोड दोनों गिरह के बीच की दूरी ये सबसे ज़्यादा होता है सब वैरायटी से, और इसका खासियत है कि इसमें जो ब्रांचेस होते हैं, करची होता है, वो नीचे कम से कम होता है और ऊपर की ओर ज़्यादा होता है। ये दिखने में देखिए कितना लंबा है, ये अराउंड 60 फीट 70 फीट के आसपास लंबा होता है। 2 साल के अंदर आप मैच्योर बांस प्रॉपर जिसका लाइफ ज़्यादा रहेगा वो आप ले सकते हैं, इससे काट सकते हैं, और ये भी उसी रेट में बिकता है जिस रेट में नॉर्मली दूसरा बांस बिकता है। दूसरी बात यह है कि बाहर से जितने भी व्यापारी आते हैं इस बांस को ज़्यादा पसंद करते हैं ले जाना, क्योंकि इस बांस में एक तो सीधा बांस ज़्यादा मिल जाता है, दूसरी इसकी मजबूती, हालांकि इधर ज़्यादा है तो मजबूती के भी मामले में, और दूसरा इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कोरों में, बत्ती में, किसी सपोर्ट के लिए और सेटरिंग उटरिंग बनाने के लिए, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ है। दोस्तों ये बांस का जो वैरायटी है इसको बोलते हैं हरोट बांस, और आपको यकीन मानिए हम लोग के क्षेत्र में जितना भी बांस है उसमें सबसे मजबूत बांस माना जाता है। हालांकि इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इसका पत्ता जो होता है वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो उसमें होता क्या है कि ओस से या बारिश होने से इसका पानी रुक जाता है उस पत्ते में, और उस लोड से ये बांस जो होता है आगे चल के झुक जाता है ज़्यादातर। दूरी ये जो है दूरी इसको पोर बोलते हैं, और सबसे छोटा पोर होता है यानी सबसे कम नोड इंटर नोड वाला बांस होता है हमारे क्षेत्र में, वेन कम्पेयर टू मोकला, कटहे और ये सब जितने भी वैरायटी के बांस हमारे क्षेत्र में होते हैं, तो उस सभी में। तो ये आपको जो हम अभी दिखा रहे हैं ये है हरोट बांस। हरोट बांस देखिए, ये अगर सही से इसको बचा के रखा जाए, मतलब अगर इसको पानी से बचाया जाए तो इसका लाइफ कहा जाता है 40-50 साल तक भी चल जाएगा, इतना मजबूत बांस होता है ये। देखिए ये बांस पकने के बाद ये पूरा इस तरह से मैच्योर दिखता है, और इसको काटने पर यह लाल एकदम पड़ेगा, अगर हम जड़ दिखाएं, भूट दिखाएं, तो देखिए पूरा ये इस टाइप का है, और इसका चौड़ाई अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा आइडिया दें तो ये अराउंड देखिए ये इतना है, यानी ये अराउंड आपको 4 इंच के आसपास मोटा है इसका। खासियत क्या है उस बांस का, कटिया बांस का? यही खासियत है, उसमें कोई पत्ता तोड़ नहीं सकता उसको। अच्छा। हाँ, बांस पका बांस को हाथ से घींच के दिखला दे हमको चाबा समझ जाएंगे। तो मतलब उतना उसमें काटा टाइप का रहता है ना, इतना झंखोरे में रहता है वो, ऐसा बांस है कि फंसा 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 रहता सब में अपना। हाँ। वहाँ से बोलेगा खींच ले हम बांस, मजा लेगा तो कटा बांस खींच ले को। जब करेगा ट्रैक्टर टोचन करके खींचाएगा बांस, वैसे खींच नहीं सकता। हाँ, कोई पत्ता नहीं तोड़ सकता है, कोई करचे नहीं काट सकता है, ना उसका मवेशी खाएगा पता उसका, क्योंकि काटा होता है, काटा होता है। अच्छा, तोड़ नहीं सकता तो काटा नहीं होगा। तो जब इतना उसमें ये है तो उसका फिर इस्तेमाल होता है अपने क्षेत्र में? बहुत होता है, यहाँ भागलपुर यही बांस का मांग है। तो मतलब इसका किस टाइप के चीज में इस्तेमाल होता है, किस टाइप के काम में? 2 पीस लगा दो खुट्टा में और उसका बाद झांझ बना लो, है ना, मजबूती रहता है उसका, गारंटी है 5 साल का मिर्ची नहीं खा सकता उसको, कीड़ा कम लगता है उसको। अच्छा, उसमें जैसे हम लोग का हरोट हम लोग के साइड में सबसे मजबूत बांस है, तो उससे भी मजबूत है? मैंने 3 इंची पर गिरा होता है उसका, मतलब हरोट से भी ज्यादा, क्योंकि इसका पोर छोटा होता है। हाँ। इसका बत्ती नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता? छत का जो बीम डालता है उसको फाड़ सकते हैं? नहीं फाड़ सकते हैं, ये बांस है इतना मजबूत है।
ये दोस्तों बांस में हम आपको अभी वैरायटी दिखा रहे हैं बिहार का, और ये एक अराउंड अभी 5 इंच मोटा है। कैमरा में तो उतना पता नहीं चल रहा होगा, देखिए ये 5 इंच के अराउंड मोटा है अभी है। तो ये टाइप इसका बोलते हैं कठई बांस। और इसका जो नोड्स के बीच की दूरी है, मतलब दो गिरह के बीच की दूरी अराउंड 1.5-1.75 फीट के आसपास है ना, यानी 16-17 इंच के आसपास इसका ये है डिस्टेंस। और इसका अगर हम जड़ दिखाएं आपको तो देखिए ये इसका जड़ है जो हम लोग इधर भूट बोलते हैं, और उसका देखिए अगर नज़दीक से दिखाएं तो देखिए कितना इसके अंदर पूरा होलो है, यानी इसको हम लोग फोंक बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। और ये देखिए मोटा बांस है, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चचड़ी का टाट बनाने के लिए होता है। और देखिए आपको दूसरा एंगल से दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इसका भूट ऐसा है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात की जाए तो नॉर्मल प्राइस ही होता है, जिस हिसाब का दाम दूसरे बांस का होता है, दूसरे वैरायटी का बांस होता है, तो उसी टाइप का उसी प्राइस में ये भी बिकता है। और ये जो इसके गिरह पे ये वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं कोपर, है ना। तो कोपर बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, हम लोग लोकल के भाषा में जो मिथिला हम लोग का मैथिली है इधर का, उसमें हम लोग कोपर बोलते हैं। इसका पत्ता हम आपको थोड़ा दिखाते हैं कि पत्ता कैसा दिखता है। तो इसी बांस का देखिए ऊपर से टूटा हुआ पार्ट है, और इसका पत्ता हम दिखाते हैं कि नॉर्मल से ये कुछ ज़्यादा चौड़ा पत्ता होता है। इसका पत्ते के बीच की चौड़ाई की बात करें तो अराउंड ये 2 इंच चौड़ा पत्ता है अभी। बताइए ये वाला बांस जो है, ये बांस का कौन प्रकार है हम लोग के साइड का? ये तो चाप वाला बांस है। चाप बांस है, तो इसका खासियत क्या है इस बांस का? खासियत यही है जो इसे लोग उपयोग करता है घर में, बरही में। केवल घर घरोट में काम होता है और भी किसी चीज में काम? और बरही थर्की उधर बहुत सारे काम में आता है, ज्यादा इस्तेमाल यही चापे होता है। चाप बांस होता है हमारे साइड में, है ना। तो देखिए दोस्तों हम आपको चाप नजदीक से दिखाते हैं कि दिखता कैसे, अगर आपको इसको पहचानना है तो। और सब बांस की अपेक्षा देखिए मजबूती, इसका बीच का दूरी भी हमको लगता है 1 फीट यानी अराउंड 12 इंच के आसपास होता है। और पकने के बाद देखिए कितना बार इसका कलर चेंज हो गया है ना। तो ये हमारे क्षेत्र का सबसे ज्यादा यूज होने वाला बांस है, चाप बांस इसको बोलते हैं। और इसका क्या बोलते हैं, इसका इस्तेमाल मवेशी को पत्ता के लिए भी इसमें ज्यादा होता है, और घर घर और जितना भी हम लोग की तरफ घर बनाने में होता है, या फिर उसको फेंसिंग में होता है, या फिर अलग अलग टाइप का बेड़ी हम आपको दिखाए उसमें होता है, तो सब में इस्तेमाल होता है इसका। अगर हम आपको पत्ता का साइज उंगली पे आपको दिखाए तो देखिए ये अराउंड 1.5-1.5 इंच के आसपास होता है इसका साइज, है ना। तो अगर बेचना चाहें तो हमारे क्षेत्र में 120 रुपये पर पीस के हिसाब से ये बांस बिकता है। मोकला हम लोग क्राफ्टिंग के लिए बताया आपको यूज़ करते हैं, उसके बाद घर में घर वाले काम में इस्तेमाल इसी का सबसे ज़्यादा होता है। 1.5 से 2 साल के अंदर काटने लायक हो जाता है, यानी घर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बत्ती बनाकर इसको चीर करके, इसका बत्ती बना करके, इसके करची का बेड़ी बना करके, अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमारे क्षेत्र में बांस की एक और प्रजाति दिखाते हैं, इसको बोलते हैं बैजनाठी बांस। देखिए बैजनाठी बांस का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं, इसका नोट्स भी देखिए ज़्यादा दूर है नहीं, और छोटे छोटे इसका अगर हम इससे नापे तो देखिए मैक्सिमम इस लंबाई की होती है, है ना। तो अराउंड हम बोल सकते हैं 6 से 7 इंच के आसपास नोट्स होते हैं, और इसके नोट्स में जाते पत्ते नहीं होते। ये इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई अराउंड ये 15 फीट के आसपास होता है, तो पतला ही बांस होता है। इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई देखिए, अगर हम उंगली इसको अगर ऐसे बंद करते हैं तो मैक्सिमम ये इतना मोटे के आसपास बांस होता है ना, इसको बोलते हैं बैजनाठी बांस। इसका हम भूट यानी जड़ भी आपको दिखाते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा होता है। ये आपको खास बात बताता हूँ कि इसके अंदर होलो नहीं होता है, ये जो जिसको फोंक बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, तो वो नहीं होता है, ये पूरा इसमें मांस होता है और ये मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम में लाठी बनाने के लिए, इसका कोई कमर्शियल यूज़ हमारे तरफ नहीं है। इसका पत्ता भी नीचे के भाग में कम पाया जाता है और ऊपर के भाग में ज़्यादा पाया जाता है। इस बांस का कोई बड़ा सा बीट नहीं होता, बीट मतलब बड़ा सा इसका कोई ग्रुप नहीं होता, एक जगह पूरा कलेक्शन नहीं होता है। और इसको लोग शौक से लगाते हैं, स्पेशली अपने इसमें लगाते हैं, घर के पीछे लगाते हैं थोड़े से भाग में, ताकि इसका कुछ लाठी में इस्तेमाल हो सके। नए में देखिए कैसे होता है, और ये लगभग करची के समान होता है, यानी कि आप इसको देखने से लगेगा ये ब्रांच है बांस का, लेकिन पतला, क्योंकि इसका मैक्सिमम मोटा इतना ही होता है, इससे ज़्यादा ये मोटा होता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैजनाठी बांस। इसके ऊपर भाग में ज़्यादातर पत्ता होता है, और इसके पत्ते की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, ये अराउंड मैक्सिमम 1 इंच के आसपास है इसकी चौड़ाई होती है, पत्ते की चौड़ाई है, उससे ज़्यादा होती नहीं है। तो आप लोगों को हमने अपने एरिया में होने वाले बांसों के प्रकार को बताया है, और इतना प्रयास किया है कि हर एक प्रकार को आप तक पहुँचाए। हो सकता है कि कुछ और भी प्रकार होंगे जो आपके एरिया में हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।